बहुत हेल्दी है, बड़ा अच्छा बना था, इजी है। हाथ और साबुदाना अच्छे से पानी में धो के कुछ देर के लिए भिगो के रखना। हालांकि जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, हाफ एन आवर 45 मिनट ही सेनफ भिगोने के लिए। अच्छे से भिगो जाए, हाथ से पकड़ के देख लीजिएगा कि नरम हुआ है कि नहीं। अगर हाथ हाथ से पकड़ के देखते हैं कि नरम हो गया है तो ये खाने लायक बन गया। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट लेना है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर लेना है, योगर्ट लेना है, मिक्स करना है। मुझे खट्टा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाला है। सब मिक्स करके एक हरी मिर्च, आप चाहो तो पुदीना पत्ता या फिर धनिया पत्ता भी ले सकते हो। मैंने उतना कुछ नहीं किया है, सिंपल सा लिया है, सिंपल सा बनाया है। इट्स वेरी हेल्दी फॉर टमी, इट्स वेरी गुड। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, इट्स रियली वेरी फ्लेवर चाहे आप किसी भी चीज़ का दे लो, मुझे जैसा पसंद आया मैंने लिया, ट्राई किया, अच्छा लगा, आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं डिस्क्रिप्शन में बाकी दे दूँगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। इट्स रियली यम्मी। खा के बताइएगा आपको कैसा लगा।